So your voice is not coming. So your voice is not coming. I'm so sorry. Okay. Last time हमने क्या किया था? Last time I think properties of transpose कर रहे थे हम लोग, लेकिन क्यों नहीं आए सब लोग? Where are Afif? ओ भाई किधर है? जीतू What may be the reason? Jara bolo to, koi bhi. Maj, what do you think? Why they have not come? Maj Sheikh. Oh, Maj. Kya gaya bhai log? Maj. Maj ko awaaz aa rahi hai kya? Wo bhi band ho gayi. मां जवाब आ रही है ओनली फ्यू आर देयर अच्छा मां लास्ट अच्छा कोई बोल ही नहीं रहे ओ भाई कुछ तो बोलो व्हाट इज द प्रॉब्लम मैंने जल्दी स्टार्ट किया क्या लेक्चर 6:45 का टाइम था क्या हाँ आया अफीफ भी आया जीतू भी आया अच्छा अफीफ टेल मी व्हाट वी हैव डन लास्ट टाइम सर लास्ट टाइम सर वी आर डूइंग लॉग ओनली नो सर नॉट लॉग वी आर डूइंग मैट्रिसेस मैट्रिसेस बट लास्ट व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कर रहा था मैं क्या कर रहा था लास्ट लेक्चर का नोट्स किसके पास है I was doing from some hotel. You remember Blue Edition से मैं lecture ले रहा था phone yes, से phone sir, के this ऊपर. is my new book. अरे old book क्या fake थोड़ी दी होगी? अरे अभी Sir, I'm not getting my book. जीतू, जीतू. Yes sir. चलो लिखो proper जो transpose of matrix ऐसा लिखो. Number one A transpose का transpose. सर 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 आपने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज लिखा दी थी आज की वो सर लिखा दी थी और फिर आप सर एक्सरसाइज 4.7 करा रहे थे है ना दैट इज व्हाट आई वांटेड यार 4.7 करा रहा था ना और 4.7 में कितने प्रॉब्लम किए थे हमने बेटा सर स्टैटिक किए थे अभी स्टैटिक किया था तो चलो प्रॉब्लम चालू करते थे हम लोग सीधा प्रॉब्लम चालू करते हैं और जिस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी तो आई एक्सप्लेन अगेन बहुत अच्छा वेरी गुड जीतो ओके अभी हम लोग करते हैं 4.7 का आई वुड लाइक टू डू प्रॉब्लम नंबर 2 ऑन पेज 154 प्रॉब्लम 2 पेज नंबर 154 जीतू जरा रीड करो मैं टेक्स्ट बुक से निकालनी पड़ेगी ये मैं टेक्स्ट बुक से नहीं निकाला मैंने इसमें से निकाला है टेक्सटबुक से निकाल लो 4.7 का नंबर 2 ए आई जे 3/3 वेयर ए आई जे इक्वल टू 2 × i − j फाइंड ए एंड ए ट्रांसपोज
फिट वेदर ये ट्रांसफॉर्मर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फाइन टेक्स्ट बुक में ना टेक्स्ट बुक पे हां एक्चुअली 4.7 प्रॉब्लम नंबर 2 पेज नंबर 154 भी है फाइंड वेदर और सिमेट्रिक और 97 पेज नंबर पे स्क्यू सिमेट्रिक क्या बोला 97 पेज नंबर पेज नंबर 97 ओके पेज नंबर 97 टेक्स्ट बुक देखो प्रॉब्लम क्या दिया है ए आई जे इज अ 3x3 मतलब बेसिकली ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स 3x3 3x3 यानी ये क्या होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. All right. A. We have to find A and find its transpose. And find whether A and A transpose are symmetric or skew symmetric. पहले हम लोग है ना A निकलते हैं. पहले A I J since Aij is 2 into what is A11 therefore tell me हम लोग A है ना यहाँ पे लिख के रखते हैं A और A11 की value यहाँ पे डालते जाएंगे what is A11 is it 2 into 1 minus 1 and that is 0 तो यहाँ पे A11 is 0 A12 यानि 2 into 1 minus 2 what is 1 minus 2 minus 1 माइनस वन इंटू टू माइनस टू तो ए वन टू इज माइनस टू यू नो ऐसे मिस्टेक नहीं होगी फिर अपनी ए वन थ्री टू इंटू वन माइनस थ्री वन माइनस थ्री इज माइनस टू तो इंटू टू माइनस फोर ए टू वन चलो करो फटाफट ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री फटाफट करो जल्दी जल्दी मेथड बता दिया आपको क्या करना है और फटाफट इसमें डालते जाने का ये जनरल है ये सब एलिमेंट्स है ये फॉर्मूला है A21 का आंसर क्या आया तो 4 to 0 कितने लोग को ये आ गया देखो ये आ रहा है सभी को जरा चेक कर लो हाँ सर ओके ये मिला हमको ये देखो वो ये ट्रांसपोज ट्रांसपोज क्या होता है चेंज ऑल रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो तो ये फर्स्ट रो था इस फर्स्ट कॉलम था तो इसको फर्स्ट रो बना देते हैं ये सेकंड कॉलम था इसको तो ये थर्ड कॉलम था इसको थर्ड रो बना
अब मैं एक रिजल्ट आपको बताता हूं. इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज सेम एज ए, बट इफ ए इज अ ट्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए. ये प्रॉपर्टी है, लिख के रखो. लिखा आपने? इतना लिखा? ये मैं रिपीट करूं क्या, रूलर मारूं एक बार इसको, ये क्लियर है? नहीं नहीं सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना एकदम? क्लियर है सर. ओके गुड. ये इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रॉपर्टी है, ये डायरेक्टली लर्न बाय हार्ट करना है. मैं आपको फिर भी एक छोटा सा आइडिया देता हूँ, आइडिया देख के ये सब नई प्रॉपर्टी मालूम होगी तो भी फटाक से बोल सकते हैं. सिमेट्रिक है ये, स्क्यू सिमेट्रिक है. मैं बताता हूँ आइडिया. इसे मिटा दूं? इतना मिटाऊं क्या? हाँ सर मिटा दो. ओके अब है ना, मैं आपको बताता हूँ आइडिया क्या है. सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के आइडिया बता देता हूँ. इधर देखो, सपोज देयर इज अ मैट्रिक्स ए. अगर यहाँ पे जीरो नहीं है बल्कि ये ए बी सी ऐसे कुछ नंबर है, और यहाँ पे सपोज पी और ये सपोज माइनस पी, ये सपोज क्यू ये सपोज माइनस क्यू, ये आर ये सपोज माइनस आर, ऐसा है ना? ये दोनों अपोजिट साइन, ये दोनों अपोजिट साइन, ये दोनों अपोजिट साइन, और एबीसी नंबर होगा तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिक. और अगर ए ऐसा है, सबसे पहले तीनों जीरो होने चाहिए, जीरो जीरो जीरो, हाँ ये गलत है सॉरी, ये सेम ये सेम ये सेम, हाँ ये भी सिमेट्रिक, P तो ये भी P, ये Q तो ये भी Q, ये R तो ये भी R, नो माइनस है ना, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक. यहाँ पे इस क्यूब सिमेट्रिक में सबसे पहली कंडीशन है तीनों जीरो होने चाहिए. ये अगर P तो ये माइनस P, ये अगर Q तो ये माइनस Q, और यहाँ पे Q तो ये माइनस Q, मतलब अपोजिट साइड ये होनी चाहिए, ये R तो ये माइनस R, ये होगा क्यूब सिमेट्रिक. यहाँ पे आप मुझे बताओ ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये मुझे बताओ, देख के मालूम पड़ता है कौन सी मैट्रिक्स है ए एंड ए ट्रांसपोज. ए और ए ट्रांसपोज कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है? स्क्यू सिमेट्रिक. क्या ये प्रॉपर्टी खाली उन लोग को एक्सप्लेन करनी पड़ती है कि उसको कैसे है? देयरफॉर यू कैन से ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो बाहर, इधर से माइनस बाहर उठाओ तो क्या आएगा, जीरो माइनस टू माइनस फोर, देन माइनस टू जीरो टू, देन माइनस फोर माइनस टू जीरो, सॉरी ये सेम टू सेम है, जीरो माइनस टू माइनस फोर टू जीरो माइनस टू फोर टू जीरो. देखो इधर से माइनस बाहर उठाओ तो जीरो माइनस टू माइनस फोर, ये माइनस विल बिकम प्लस, प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, एंड व्हाट इज दिस एक्चुअली, ये क्या ही है? Compare this and this. ये दोनों compare करो. Same है, same है. So therefore क्या नहीं से A transpose equal to minus है. ये वाली condition satisfy हुई. A transpose equal to minus है. Therefore A and A transpose are skew symmetric matrix. Actually ये reserve नहीं दोगे ना. इधर देखो ना, टू माइनस टू फोर माइनस फोर टू माइनस टू एट तीनों जीरो बोलने का, ए एंड ए ट्रांसपोज आर स्क्यू सिमेट्रिक. लेकिन अगर एग्जामिनर को कैलकुलेशन पसंद है तो ये प्रॉपर्टी हमें प्रूव कर, ए ट्रांसपोज इज माइनस है तो ए आया था ना, माइनस साइन बाहर निकालो और ए को छाप दो यहाँ पे, यू विल फाइंड एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, बिकॉज दिस इज नथिंग बट ए, ये पूरा का पूरा कह रही थी ए एंड दिस आर सेम, माइनस साइन बाहर दिए. समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज टेल मी. प्रिशा शेट्टी हैव यू फॉलोड दिस?
मार्ज, ओ मार्ज, मार्ज ने आज बोलना बंद कर दिया है। यस सर। हाँ समझा ना बेटा ये कि नहीं? हाँ सर। ओके तो ये हो गया 2.97। इसके बाद हम करेंगे 4. प्रॉब्लम नंबर 4 उसी का प्रॉब्लम नंबर 4.97 ही होगा ज्यादा करके। जीतो हमारा राइट। 3 यू विल डू एज होमवर्क। क्या कहता है? If n equal to this, -5, then 2 - 3 = 4, and then -5 = 49. Prove that GA का ट्रांसपोज इज सेम एज 3 × A transpose. इज सेम एज 3 × A transpose. बहुत आसान है। तो मुझे बताओ हाउ टू फाइंड 3A? दैट इज 3 × क्या लिखू? 1, 2, -5, then 2, -3, 4, then -5, 4, 9. अच्छा मुझे बताओ, मैंने आज समझाया था रोशनी ये क्या करूं 3 को, मुझे मल्टीप्लाई करना है तो खाली एक रो में करूं, एक कॉलम में, या सब एलिमेंट्स को करना है? रोशनी सब एलिमेंट को करना है। तो 1 × 3 = 3, 6, 5 × 3 = 15, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, 12, 27. इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, 3A. ये लेफ्ट हैंड साइड आया, नहीं ये लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, 3 आया। देयरफॉर व्हाट इज 3A ट्रांसपोज? ट्रांसपोज में क्या करते हैं बताओ? इसे हम कह देते इक्वेशन नंबर 1। एंड व्हाट इज 8 ट्रांसपोज? फालतू प्रॉब्लम है, एकदम फालतू प्रॉब्लम है। मतलब ए ये रहा तो एक ट्रांसपोज क्या होगा, उल्टा कर दो इसको। 1, 2 रो को कॉलम बनाओ, 2 - 3 = 4, देन -5 ऑलराइट, एंड देयरफॉर 3 × 1 = 2 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 5 × 15, 3 × 6 - 9 = 12, 10 - 15 = 12, 9 = 27. इक्वेशन 2, सिंस 1 = 2 देयरफॉर 3A का होल ट्रांसपोज is nothing but 3 × 8 transpose. Kal last proved. Kitna aasan hai, exactly same hai ye. Equation 1 and 2. Five you will do as homework. Five aa jayega वैसे. कुछ ज़्यादा difficult नहीं है. Six will do. Six इसके बाद. और ruler मारना जरूरी है क्या? Please tell me. Should I hit ruler on this? No, sir. Okay. Number 6.97 hai na, Jitu?
तो कौन सा वाला 6.96 प्रॉब्लम 6 हां सर 6 97 पे ही है ना ओके 6.97 मैं करता हूं 6.96 का सेकंड पार्ट करता हूं पहले नॉट फर्स्ट अ सेकंड करता हूं नंबर 2 इफ ए because I am doing number 2 I have not read b wala part if a equal to and c equal to b I am not writing because b is in the first part you know it won't work 2 minus 3 then 5 minus 4 minus 6 and 1 and c equal to 1 2 minus 1 and 4, then minus 2 and minus 3. Minus 2 and 3. Then show that, to show that A minus C ka transpose is equal to A ka transpose बहुत आसान सर बहुत आसान यू कैन डू विदाउट माय हेल्प चलो ट्राई करो अपना ए माइनस सी करना है पहले और फिर आपको उसका ट्रांसपोज निकालना है फिर ए का ट्रांसपोज निकालना है फिर सी का और फिर सब ट्राई करना है करो फटाफट फटाफट झटपटी विदाउट माय हेल्प हु विल गेट आई वांट टू सी ए माइनस सी करना सबसे पहले करना ए माइनस सी दैट इज इक्वल टू ए प्लस माइनस सी ए प्लस माइनस वन इंटू सी ए इज व्हाट टू बहुत इसमें ना धीरे धीरे करने का बहुत मिस्टेक करते हैं जल्दबाजी में और कॉपी करते टाइम प्रॉब्लम बहुत ध्यान से कॉपी करो माइनस वन इंटू सी मतलब सी के हर एक टर्म को माइनस वन से मल्टीप्लाई करो तो माइनस वन माइनस टू वन माइनस फोर टू माइनस थ्री नाउ ऐड करना बहुत आसान है यू हैव टू जस्ट ऐड दो में से एक गया एक माइनस थ्री प्लस माइनस टू माइनस पांच पांच और एक छ माइनस फोर माइनस एट माइनस सिक्स प्लस टू माइनस फोर वन प्लस माइनस थ्री माइनस टू कितने लोग को यह मिला ए माइनस सी ये बराबर है क्या चेक करो बेटा ये बराबर है क्या प्यारे बच्चों यस सर ओके देयरफॉर व्हाट इज ए माइनस सी ट्रांसपोज जगह है लिख सकता हूं कि नहीं देयरफॉर व्हाट इज ए माइनस सी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू क्या लिखूं 1 6 माइनस 4 माइनस 5 minus 8 minus 2 equation number 1 मैंने कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया ए ट्रांसपोज
एसी ट्रांसपोज जरा करो तो बताओ तो इतना आसान से मेरे ख्याल से एट स्टैंडर्ड के बच्चे भी कर सकते हैं इतना आसान है ये इतना आसान है ये कि 10 स्टैंडर्ड के बच्चे 8 स्टैंडर्ड के बच्चे भी कर सकते हैं 2 माइनस 3 1 माइनस 1 माइनस 2 243 therefore A transpose minus C transpose the same as A transpose plus minus 1 into C transpose A transpose to ye raha apne samne 2 5 minus 6 minus 3 minus 4 1 And iska minus karna hai, isko minus 1 se multiply karna hai. So 1 will become minus 1, minus 1 will become 1, minus 2 will become 2, minus 2, minus 4, minus 3. Ab zara dekho, answer aava hai kya? 2 minus 1 is 1. 5 plus 1 is 4. Minus 6 plus 2 is minus 4. Minus 3 minus 2 is minus 5. Minus 4 is minus 8. 1 minus 3 is minus 5. Oh, beautiful. I got it. Exactly the same. Since 1 equal to 2. Therefore, A minus C ka transpose is equal to A transpose minus C transpose. Ekini asan. Bachcho, are you finding it very easy? Ki aapko takleef hai kuch? 6 का 1 यू विल डू एज होमवर्क जरा छोड़ दो 6 का 1 इज a प्लस b b मैंने लिखा ही नहीं है b भी दिया है प्रॉब्लम में लेकिन मैंने क्योंकि b का काम नहीं था इसलिए नहीं लिखा है देन विल डू 8 8 के दो पार्ट है अपन कोई भी एक पार्ट करते हैं बहुत इजी है एक तो करना ही नहीं चाहिए मुझे लगता है आई शुड डू नाइन्थ आई थिंक इनफैक्ट आई शुड डू नाइन्थ नाइन्थ लंबा है थोड़ा बस यही फर्क है नाइन में पूरा नहीं करूंगा नाइन का मैं आइडिया देके छोड़ूंगा यू विल कंप्लीट एंटायर प्रॉब्लम नंबर 9 इसे मिटा दो कि रूलर मारूं एक बार जीटू सर मिटा दो ओके बहुत आसान है बहुत इजी है प्रॉब्लम नंबर 9 देखो यहाँ पे एक है आई एम नॉट राइटिंग इफ ए इक्वल टू तुम लोग कॉपी करो जो बुक में दिया है बी इक्वल टू तुम लोग कॉपी करो जो बुक में दिया है एंड सी इक्वल टू तुम लोग कॉपी करो जो बुक हुआ में दिया है प्रूव दैट ए प्लस टू बी प्लस 3C का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस 2B का ट्रांसपोज प्लस 3C का ट्रांसपोज ये हमें दुनिया को प्रूव करके दिखाना है ये हमें प्रूव करके दुनिया को दिखाना है A प्लस 2B तो बहुत आसान है ओनली द LHS LHS तो पहले हम लोग A प्लस 2B प्लस 3 से निकालते A जो लिखा है वो एज इट इज लिखो प्लस ट्वाइस B लिखा है वो लिखो प्लस थ्राइस C लिखा है वो लिखो 2 को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करो अंदर ये मैं खाली लिख देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यू विल गेट 4 2 माइनस 8 और ये होगा 6 10 माइनस 4
इधर तीन से मल्टीप्लाई करो हर एक को तो व्हाट यू विल गेट विल बी 069 एंड -3 0. चलो मैं ये भी लिख दे रहा हूँ यार, इतना लिखा है तो ये आएगा 101 101 और 312. तो इसको जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा उसका 8 + 2b + 3 सी का आंसर आएगा 582 एंड 680 - 2. ये आया 8 + 2b + 3 सी. Therefore, what is 8 + 2b + 3 c का transpose? दिख रहा है? अरे यार ये प्रॉब्लम हो जाएगा अभी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अंदर ही फिट करने की. ओके, इसको करेंगे 582 दिख रहा है? ओके, 6 8 - 2 ये भी दिख रहा है. चलो इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 और वो लेफ्ट हैंड साइड की. देयरफॉर एलएचएस अभी कर लोगे क्या? ये होमवर्क की यू वांट मी टू डू, ये कर लोगे? ए ट्रांसपोज 2 बी ट्रांसपोज 3 सी ट्रांसपोज होमवर्क दे सकता हूं मैं आपको कि नहीं? बच्चे लोग, ओ बच्चे लोग, बच्चे लोग ये कर लोगे? इसको कंप्लीट कर लोगे क्या? अरे कोई तो बोलो यार. प्रिशा शेट्टी आप कर लेंगी इसको? प्रिशा मतलब यू आर नॉट इंटरेस्टेड. जीतू, जीतू बहुत आसान है. ए का ट्रांसपोज निकल रहा है, 2 बी का ट्रांसपोज 3 से ऐड करना है और इसका आंसर यही आएगा आरएचएस का आंसर. ठीक है सर, कर लो इसको, कर लो कंपलसरी. 10th आल्सो यू विल डू एज होमवर्क. विल डू 11th वन, 11th वन विल डू. एक है प्रॉपर्टी है जो कि किसी को याद होगी तो बताओ मुझे. हु विल टेल मी दैट प्रॉपर्टी? हु विल टेल मी दैट प्रॉपर्टी? मेरा ये किधर के डस्टर? एक प्रॉपर्टी है जो कि मैं लिखा चुका हूं लेकिन एक बार फिर से आपको मैं बताना चाहता हूं प्रॉपर्टी के बारे में. इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स लिखता है तो लिख डालो रिविजन ऑफ इफ ए इज अ हु विल टेल मी. चलो मैं बोलता हूं. Who will tell me this answer? Then A. A plus A transpose is a dash matrix. Ye kaun batayega? A square matrix. It's a dash matrix. No, square is the wrong answer. Symmetric. It's a symmetric matrix. पहला वाला आएगा, ये लिख के रखो. और दूसरा वाला क्या आएगा? Skew symmetric. Skew symmetrics. ये प्रॉपर्टी मैंने दी हुई है आपको, ये प्रॉपर्टी मैं दे चुका हूं आपको लेकिन मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दिया. बोले चलो ठीक है. अब इसके ऊपर है प्रॉब्लम नंबर 11. 11 पेज नंबर क्या है बेटा? G2 और पेज नंबर 98. इसका तो सर आपने से ये लिखाया हुआ था हम लोग को, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है. 98 G2 ने आंसर दिया. मैंने लिखाया है इसको, आई एम श्योर मैंने लिखा है.
Prove that A plus A transpose is symmetric. अच्छा अब ये वाली property हमको एक example में prove करके दिखा रही है बस. And क्यों symmetric? अच्छा symmetric की property कैसे prove करने का? Remember symmetric prove करना है if A transpose equal to A तो symmetric. A transpose equal to what? तो it is क्यों symmetric? बताओ. If A transpose is same as A तो symmetric. और ये ट्रांसपोज इज व्हाट तो इट इज क्यू सिमेट्रिक दैट्स राइट बहुत अच्छे बच्चे ये तो बाहर किसकी आवाज थी किसकी आवाज थी ये मुर्तजा मुर्तजा वेरी गुड आंसर बहुत अच्छा आंसर है मुर्तजा मुर्तजा हैज एक्चुअली नॉट अटेंडेड मैट्रिक्स आज शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर स्टिल इज गिविंग आंसर सो मुर्तजा इज डेफिनेटली नॉट इन गजनी ग्रुप Very good, Murtuja. Don't become Gajni. Okay. A equal to. Murtuja, I appreciate Murtuja and Ushna. Ushna bhi bahut achhi bachchi lag rahi hai mujhe abhi tak. मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन आजकल अफीफ से हो रहा है अफीफ अफीफ वाज एकदम फंटास्टिक लेकिन अभी थोड़ा इंटेंसिटी डाउन हो गई है उसकी उष्णा ने नहीं लिया है क्या उष्णा आर यू देयर और नो उष्णा इज देयर ये हमें प्रूव करना है इज दिस तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सेम व्हाट इज ए ट्रांसपोज Either then 3 to 1, either row become column, minus 2, minus 3, minus 2. And therefore, what is A plus AT? Jaga hai ya. Therefore, A plus A transpose. That is 124, 321, minus 2. Minus 3, 2. And this is 1 third minus 2, then 2, 2, minus 3, then 4, 1, minus 2. Okay, and therefore A plus AT, kya hai na? And therefore A plus A transpose. It will do some add karo corresponding term add kar de jao. 1 aani 1, 2. तीन और दो पांच चार माइनस दो दो जरा देखो समझ में नहीं आए तो मेरे को पूछो प्लीज आस्क मी बिंदास एनी डाउट एनीवेयर यू कैन आस्क सर वो स्टेप कैसे आया ये स्टेप कैसे आया अब ये प्रूव करना है कि दिस इज कैन यू सी ये पांच तो ये पांच ये टू तो ये टू और ये माइनस टू तो ये माइनस टू ये कुछ भी हो सकता है दैट मींस इट्स अ व्हिच मैट्रिक्स लेकिन प्रूव करने के लिए हम